मौजूद मेहमान हाजी साहबान, देश में बैठे हुए तमाम उलमाए कराम, मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है। मैं उनको बधाई दे रहा हूँ कि गांव में मैं बहुत सारी दुकानों में हम लोग बहुत हाजी साहब भी हम भी मकुशवाना भी हम लोग बहुत जगह ओपनिंग हो जाते हैं, मगर मैं कभी भी कहता हूँ कि जो हमारे कौम का एक आदमी एक दुकान पकड़ा वही कपड़े की दुकान कपड़ा, साइकिल साइकिल, मोबाइल मोबाइल, ये नया नया आइटम नहीं ला रहे। ये हमको बहुत ही ये अच्छा बहुत खुशी हुई, एक नया आइटम भटकल में आ गया। सफाई के हिसाब से पूरा उनकी टीम आ गई यहाँ पे, और जैसा कि कुरान में हमारे मौलाना ने कहा बाकी आधा ईमान है। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ टीएमसी जो म्यूनसिपालिटी का आधा काम आप लोगों ने जिम्मेदारी ले लिया, अभी बहुत खुशी की बात है। ये प्रोफेशनल भी हो गया, सफाई भी होगी, दोनों हो गया काम। इंशाल्लाह हम जरूर उनको साथ देंगे, और रमेश कोला उनकी टीम को मैं बहुत और बार मुबारकबाद दे, और मैं इंशाल्लाह खुद उनके पीछे साथ दूंगा। कैसा करेंगे, इनका दुकान है हॉस्पिटल के जो मंगलोर के जो साथी है उनके पार्टनर है, उन्होंने भी कहा कि बहुत यहाँ भी आजकल सभी गवर्नमेंट ऑफिसर में आउटसोर्स में कंपनी को दे दें सब। अभी आपको भी हम किधर भी दे सकते हैं, या किधर टेंडर को आप भी टेंडर डाल सकते हैं, भटकल में हो, नावर हो, कुमटा हो, कहाँ भी आप जा सकते हैं। टेंडर कहाँ कॉल करेंगे, हम भी हमको इन्फॉर्मेशन है तो इंशाल्लाह आपको हम पहुंचा देंगे, और टेंडर में और शामिल हो जाइए। और भटकल में बड़े बड़े बंगले हैं, घरे हैं, या मोहल्ले की क्लीनिंग करो। ऐसे ही आतिक साहब ने कहा दवाई का मामला है, जो म्यूनसिपालिटी से दवाई पूरी नापद हो गई है। पहले बहुत करते थे, बहुत पूरे मोहल्ले में जाके दवाई स्प्रे मारते थे जो सिलेंडर लेके, वो भी आप काम करेंगे तो एक मोहल्ले की इतना हिसाब थोड़ा कम रेट में रखेंगे तो आपका और चमक जाएंगे, फिर दुकान चमकी जाएंगी और आदमी को फायदा हो जाएगा। ये थोड़ा मिनी इंडस्ट्री है आपके, और इसमें थोड़े आदमी को रोजी भी मिलेगा, और इसमें बहुत खुशी की बात हो जाएगी। ये देखो बात करते ही उन्होंने निकाल के दे दिया हाथ में, चलो फिर बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसा नया नया आइटम नया नया प्रोडक्ट हमारे भटकल में आना चाहिए। हमारे लोग बहुत सारे लोग अभी गांव में आए, बहुत सारे लोग कैंसिल करके भी आए, नया कितना अगर ढूंढे तो सब कुछ मिलता है, बोलते हैं ना ढूंढे तो खुदा भी मिलता है, मगर अगर ढूंढेंगे तो हर बिजनेस इधर भी मिलता है, बाहर भी मिलता है, हमारे कर्नाटक में भी मिलता है, मगर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारे भटकल में आदमी यहाँ पे कम है, मगर हमारे माध्यम में लोग हैं, मीडिया के लोग हैं। मैं इससे यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, आप हिम्मत करके आगे आइए। डिपार्टमेंट में भी आपको इसमें आपको डिपार्टमेंट में भी ये डिपार्टमेंट है बिजनेस का, स्मॉल इंडस्ट्री ऑफिसर लोग है, यहाँ पे ऑफिस है रंगीन काटा के पास कोर्ट के पीछे, वहां पे आप एक घंटा दो घंटा जाएंगे, वो लोग भी आपको गाइड करेंगे। आपके पास पैसा है 5 लाख है 10 लाख है, कैसा बिजनेस करना क्या करना वो भी आपको सिखाते हैं। इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है, कितना पैसा है आपको, कैसा बिजनेस करने का, कितना फायदा मिलेगा, पूरा डिटेल आपको देके आपको जहां पे करें बिजनेस वहां पे आपको दिखाते हैं। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, हम उसको फायदा लेंगे। और हमारे बेंगलुरु से साथी भी यहाँ पे आए हुए, और इंशाल्लाह भटकल में और एक सफाई का अच्छा है। बहुत पहले हमारे तंजीम और हमारे राबिता के लोग क्लीन भटकल ग्रीन भटकल बोल के बहुत आवाज उठाए थे, काफी कामें भी हुई थी, बाद में थोड़ा ठंडा पड़ गया, मतलब इसके नाम से इंशाल्लाह और हमारे गांव में सफाई हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कोला ग्रुप से भटकल में और सफाई का और अच्छा निजाम हो जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे यहाँ पे बुलाया, कुछ बात करने का मौका दिया, मैं सबको तमामों का और ऑर्गेनाइजरों का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ, वाकुदावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जय हिंद जय कर्नाटक। और मैं खास करके जो ये कारोबार की तरफ जा रहे हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि भटकल में हर मोड़ पर आप एक प्रोजेक्ट, एक 10 मिनट का प्रोजेक्ट रखकर लोगों को इस बारे में मालूमात दें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है इसको इस्तेमाल में लाना और इस्तेमाल में लाने की सूरत पैदा करना ये सबसे जरूरी है। कारोबार में आप ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेके चल रहे हो, और मैं कहता हूं कि आज हमारे कौम की जरूरत है, इस तरह के कई कारोबार हैं जिसमें हमें जाना है। तो जब लोगों को इस बात का पता चलेगा, जैसे हमें सफाई का ख्याल रखना जरूरी है, उस एतबार से मैं तो ये मिसाल देता हूं कि ये सब खलीजी ममालिक में हम देखते आ रहे हैं जहां हमारा रहना ज्यादा होता है। कि हमारे मस्जिदों के अंदर हो या घरों के अंदर हो, इसकी सफाई और बाकी की तरफ जो है लोग तवज्जो देंगे, खुद से काम नहीं कर सकते थे या उनको जो है इस तरह के काम करने वाले मुनासिब लोग नहीं मिलते थे, अब इनके पास अफराद मौजूद होंगे, वो खुद आएंगे, कह रहे हैं कि वो खुद आएंगे और खुद आकर जो है पूरी तरह से जो है सफाई करेंगे। ये अच्छा इकदाम है, और ये इसके जरिए हम समझते हैं कि जिन लोगों को कोई बहाना था कि सफाई वगैरह के लिए मुनासिब लोग नहीं मिलते, वो बहाना भी खत्म हो जाएगा और इस तरह से सफाई का जो है मौका मिलेगा। अल्लाह ताला इनकी कारोबार के अंदर
बरकत भी दे और हमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सही माने में हमें इसे समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त जो कारोबार और जो सर्विस ये लोग कर रहे हैं ये बहुत अहम और जरूरी चीज है। आदमी अपने मकान की तामीर पर लाखों ना करोड़ों रुपए खर्च करता है लेकिन उसको मेंटेन और उसको सही रखने के लिए उस पर खर्च करना उसके लिए बड़ा भार होता है। तो जब तक चीज कीमती बनाई गई, जब बनाई गई आप उसका ख्याल नहीं रखा गया तो वो चीज फिर जाया और बर्बाद हो जाती है। बहुत सारी चीजों को घरों को हमने देखा कि बड़े आलीशान और बड़े ठाड़ और भाट के बने हुए हैं लेकिन साल दो साल नहीं गुजर पाता, उसमें बहुत सारी खराबियां होने लगती हैं। इसलिए चीज बनाने के बाद उसकी हिफाजत करना भी हमारा एक काम और एक जरूरी हमारी जरूरी जिम्मेदारी है।